सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और 2021 में राशन कार्ड, नया राशन कार्ड के लिए आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इस तरह से आप आवेदन करके 3 दिनों में अपना राशन कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे इस तरह से यूपी ई डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जो फर्स्ट पे ऑप्शन आया है उसको ओपन कर लेंगे। इस तरह से यूपी ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट खुल जाएगी। ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं लॉगिन ई डिस्ट्रिक्ट पे आपको क्लिक करना है, CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर और यूजर नेम और पासवर्ड से। अगर आपके पास CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर ID नहीं है तो फिर आप नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप CSC की अपनी ID, यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आप अपनी यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड भर के इसे सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस, एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, तो यहाँ आपको अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, यहाँ अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज पे आपने क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, यहाँ फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड पे आपने क्लिक कर लेना है। अब आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे NFS होम लॉग आउट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ NFSA पे आपने क्लिक कर लेना है। अब तीसरा नंबर यहाँ पे NFSA का आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह से साइड में ये आ जाएंगे ऑप्शंस, यहाँ पे आपने राशन कार्ड आवेदन का क्लिक करना है, नई प्रविष्टि पात्र गृहस्थी, नई प्रविष्टि अंत्योदय, जो भी आपने इनमें से आवेदन करना है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ नई प्रविष्टि पात्र गृहस्थी या अंत्योदय पे आपको क्लिक कर लेना है। हमने यहाँ पात्र गृहस्थी चुना है। उसके बाद जिला आप यहाँ से अपना चुन लेंगे। जिला चुनने के बाद क्षेत्र आप इस तरह से चुन लेंगे, नगरीय या ग्रामीण। आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ आय प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर आपको देना होगा, क्योंकि दोस्तों राशन कार्ड आय प्रमाण पत्र से रिलेटेड होता है, दोनों लिंक होते हैं, आय के अनुसार ही राशन कार्ड बनता है। तो इसलिए आपको राशन कार्ड का एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट ID आपको डालनी है, जो कि आपके आय प्रमाण पत्र में पहले से ही मौजूद रहती है। आय प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट ID डालने के बाद इसे आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अब कुछ बेसिक जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की आ जाएंगी। उसके बाद इसमें जो आपकी और डिटेल्स हैं जैसे क्षेत्र विवरण वगैरह और परिवार मुखिया का विवरण वगैरह, वो आपने भर लेना है। जैसे कि यहाँ विकासखंड चुन लेंगे, उसके बाद ग्राम पंचायत, राशन कोटेदार का नाम, राशन कोटेदार का नाम चुनेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, उसमें से चुन लेंगे। राशन कार्ड का प्रकार क्या है वो आप यहाँ से चुन लेंगे। प्रायोरिटी हाउस होल्ड न्यू, यहाँ पे ऑप्शन पहले से ही आ जाता है। ये सारी जानकारी भरने के बाद परिवार के मुखिया का विवरण भरेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, एड्रेस डिटेल का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है, सेकंड स्टेप जो है, क्योंकि 6 स्टेप में ये फॉर्म भरा जाता है। यहाँ हमें वर्तमान निवास विवरण भरना है, जैसे मकान नंबर या फ्लैट संख्या या ग्राम वगैरह, और उसके बाद जिला और ब्लॉक का नाम। तो जिला और ब्लॉक का नाम यहाँ पहले से आ चुका है, ग्राम पंचायत भी आ चुका है। टाउन हमें यानी नगरीय क्षेत्र में टाउन या गांव का नाम हमें चुनना है। स्थायी पते के लिए भी अगर आपका सेम है तो स्थायी पते भी सेम करेंगे। सुरक्षित करें और आगे बढ़ें पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक नोट आ जाता है, पॉपअप मैसेज, एड्रेस डिटेल आर सक्सेसफुल अपडेटेड, पते का विवरण सुरक्षित हो गया है, इस पर ओके कर लेंगे। अब दोस्तों, तीसरा जो इसमें स्टेप है वो हमारे सामने आ चुका है। जैसे फैमिली डिटेल आई है तो इसमें परिवार के सदस्यों की सूची आ चुकी है, जैसे नाम, पति का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मुखिया से संबंध, आधार क्रमांक, वार्षिक आय वगैरह। तो दोस्तों, अगर आप परिवार के नए सदस्य का नाम इसमें जोड़ना चाहते हैं तो आपको नया परिवार का सदस्य जोड़ने पे क्लिक करना है। यहाँ सदस्य का नाम डालेंगे हिंदी और इंग्लिश में, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वार्षिक आय, पति और पिता का नाम हिंदी और इंग्लिश में, उसके बाद मुखिया से संबंध क्या है वो आप यहाँ से चुन लेंगे, जैसे भाई है, बहन है, इस तरह से। और उसके बाद आधार कार्ड संख्या इसमें डालेंगे, उसके बाद सदस्य जोड़ने पे क्लिक कर लेंगे तो आपका जो सदस्य आपने जोड़ा है उसकी डिटेल इसमें परिवार के सदस्यों की सूची में ऐड हो जाएगी।
अब दोस्तों इसे सुरक्षित करें और आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो चौथा स्टेप है बैंक का विवरण वो हमारे सामने आ जाएगा। बैंक विवरण हम इसमें भरेंगे, बैंक खाता किसके नाम पे है, मुखिया के स्वयं के नाम पे है या पिता के नाम पे या पति के नाम पे या संतान के नाम पे, खाता धारक का पूरा नाम यहाँ से चुनेंगे और बैंक का नाम, बैंक की शाखा, IFSC कोड, बैंक खाता संख्या हम यहाँ भरेंगे और आगे बढ़ें पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पाँचवा जो स्टेप है अटैचमेंट का वो हमारे सामने आ जाता है। परिवार के मुखिया की फ़ोटो हमें यहाँ अपलोड करनी है और ध्यान रखना है कि जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हम अपलोड करेंगे वो 300 से 600 DPI होना चाहिए। उसके बाद इसमें बैंक की जो पासबुक है उसकी पहले पेज की जो फ़ोटो है वो हमें डालनी है, आधार कार्ड की भी फ़ोटो हमें इसमें डालनी है जो कि मैक्सिमम 30 KB की होनी चाहिए। फिर इसे इसी तरह आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब इसका जो छठवां वाला स्टेप है NFSA क्राइटेरिया, इस पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ हमें राशन कार्ड के लिए जो निर्धारित मानक हैं उनको पूरा करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हमें भर लेना है, जैसे कि क्या आप आयकरदाता हैं, तो यहाँ हाँ या ना में हम जवाब दे देंगे। इसी तरह सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे उनका आंसर हम हाँ या ना में चुन लेंगे। यहाँ दोस्तों सारी जानकारी भरने के बाद उद्घोषणा का जो यहाँ पे एक ऑप्शन है इसके सामने चेकबॉक्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका जो डिक्लेरेशन है इसे पूरा करेंगे। डिक्लेरेशन में भरी हुई सारी जानकारियों को सेव करने के बाद जब हम इसे सुरक्षित करें पे क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे इस तरह का एक मैसेज आता है, राशन कार्ड के सभी भाग सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिए गए हैं, कृपया राशन कार्ड ID और उसके बाद राशन कार्ड ID का एक नंबर होता है उसको हमें नोट करने को कहा जाता है, तो ये नंबर हमें नोट कर लेना है और इसे ओके कर लेना है। इस तरह से दोस्तों हमारा राशन कार्ड का जो पहला चरण है वो पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में हमें फिर से होम पेज पे आना है और यहाँ हमें NFSA के ऑप्शन पे जाना है और आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें फिर से यहाँ जिला चुन लेना है जिस जिले से हमने आवेदन किया है। राशन कार्ड का नंबर जो हमें मिला था वो हम भर लेंगे तो हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का एक पेज आ जाएगा, इसे सबमिट कर लेना है। उसके बाद राशन कार्ड पावती रसीद पे हम क्लिक करेंगे, राशन कार्ड यहाँ जिला हम चुनेंगे, फिर राशन कार्ड नंबर डालेंगे, सर्च कर लेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का एक पेज आ जाता है, राशन कार्ड रिसिप्ट, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमें इसे सुरक्षित कर लेना है और ये हमारा राशन कार्ड का जो दूसरा चरण है वो भी पूरा हो चुका है। इस तरह से दोस्तों 3 दिनों के भीतर आपका जो राशन कार्ड है वो बनकर आपके राशन कार्ड कोटेदार के पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से राशन कार्ड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 2021 में। राशन कार्ड आवेदन करने से रिलेटेड ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपका उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।